बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री व भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता अमित शाह सातवीं बार बिहार आ रहे हैं, यानी इससे पहले अमित शाह 6 बार बिहार आ चुके हैं। और बिहार में आकर अमित शाह लालू नीतीश की सरकार पर, तेजस्वी और नीतीश की सरकार पर प्रहार कर चुके हैं। अमित शाह बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंच रहे हैं, जहां मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डे के मैदान में अमित शाह तिरहुत प्रमंडल के लोगों को संबोधित करेंगे और इस विशाल जनसभा में लोगों की भारी भीड़ भी पहुंचने वाली है। बीजेपी के नेता इस रैली को सफल बनाने में दिन रात एक कर जुटे थे। खैर, इससे आगे अमित शाह बिहार आ रहे हैं तो क्या कहेंगे, ये भी बिहार के लोगों को बखूबी मालूम है और आप भी जानते हैं। और नहीं जानते हैं तो अमित शाह के भाषण से पहले आपको बता देते हैं कि अमित शाह बिहार में आकर महागठबंधन की सरकार पर प्रहार करेंगे। अमित शाह बिहार में आकर लालू प्रसाद यादव के जंगल राज को याद दिलाएंगे। अमित शाह बिहार में आकर नरेंद्र मोदी सरकार के कामों को गिनाएंगे। अमित शाह बिहार में आकर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के गठजोड़ पर सवाल उठाएंगे, तेजस्वी यादव पर लगे आरोपों पर बोलेंगे और अमित शाह बिहार में आकर ये दावा करेंगे कि आने वाले साल 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कैंडिडेट 40 में 40 लोकसभा जीतेंगे। अमित शाह बिहार आ रहे हैं तो इस पल का इंतजार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बहुत पहले से था और आज की बारी बेहद खास है, क्योंकि मुजफ्फरपुर हो या फिर पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण या फिर बात हो वाल्मीकि नगर की, तमाम लोकसभा सीटों से एक बार हुंकार भरेंगे। वैशाली की जनता भी पहुंच रही है तो पता ही हवाई अड्डे पर आकर जब अमित शाह बोलेंगे तो लोगों की भी कुछ उम्मीद है और बिहार और बिहारी अमित शाह से चाहते हैं कि सातवीं बार जब अमित शाह बिहार आ रहे हैं तो बिहार में आकर बिहारियों से किए वादे की भी बात कर जाएं। दरअसल आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का दौरा याद होगा 2014 में, जब लोकसभा का चुनाव था, नीतीश कुमार अकेले लड़ रहे थे तो दूसरी ओर कांग्रेस अकेले, आरजेडी अपने बल पर, भारतीय जनता पार्टी तब चुनाव लड़ रही थी और बिहार में आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बाद ये वादा कर रहे थे कि अगर हमारी सरकार बन गई तो 3 चीजें बिहार को देंगे। नरेंद्र मोदी 2019 में भी वही बात कह गए और वहां यहां तक कि नरेंद्र मोदी ने बिहार की बोली लगा दी, लेकिन अब तक बिहार को क्या मिला, कितना मिला, अगर अमित शाह बिहार में आकर ये बातें कह दें तो बिहारियों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। अगर अमित शाह चाहते हैं कि वाकई नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार पर वो प्रहार करके बिहार की जनता के दिलों को जीतना चाहते हैं तो बिहार में आकर अमित शाह को बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में जो आकर बिहार की बोली लगाई थी, क्या अरे भाइयों बहनों कितना दे दूं बताओ, 1000 करोड़, 125 करोड़, कितना दे दूं बताओ, 70 करोड़, 75 करोड़। और उस बोली के बाद बिहार को अमित शाह और उनकी पार्टी और सरकार ने कितना दिया है, अमित शाह को बिहार में आकर ये बताना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में आकर कहा था कि अगर केंद्र में उनकी सरकार बन गई तो बिहार के लोगों को 3 चीजें मिलेगी। 3 चीज का मतलब स्पेशल स्टेट, स्पेशल अटेंशन और स्पेशल पैकेज। 3 चीज आप समझ रहे हैं ना, विशेष राज्य का दर्जा नरेंद्र मोदी ने बिहार के लोगों से कहा था कि अब वो बिहार के लोगों को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। 19 में नरेंद्र मोदी ने आगे कहा था बिहार को स्पेशल स्टेट के अलावे स्पेशल पैकेज देंगे। स्पेशल पैकेज की बात भी उन्होंने की थी लेकिन विशेष पैकेज बिहार को मिला नहीं। और आगे उन्होंने कहा था कि बिहार को हम स्पेशल अटेंशन देंगे बिहार के लोगों के लिए, तो विशेष ध्यान उन्होंने दिया नहीं। अमित शाह को बिहार में आकर बताना चाहिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद वो बिहार की जनता को क्या ये बता पाएंगे कि केंद्र की सरकार ने स्पेशली खास तौर पर बिहार के लिए कितनी बैठकें की है। क्या अमित शाह बिहार के लोगों को ये चीजें बताएंगे कि 40 लोकसभा सीट वाले बिहार को जितनी हकमारी, जितना चीज दिया जाता है, बिहार को जितनी योजनाएं देने में हकमारी की जाती है, क्यों आखिरकार बिहार के आधे से थोड़ा सा अधिक गुजरात वाले, गुजरात को इतनी ज़्यादा सुविधाएं मिलती है, क्यों गुजरात के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्पेशल अटेंशन से लेकर स्पेशल पैकेज तक देते हैं, क्यों हर योजनाएं गुजरात को दी जाती है और बिहार और बिहारियों के साथ भेदभाव किया जाता है।
क्या अमित शाह बिहार में आकर ये बताएंगे कि बिहार के लिए उन्होंने कभी ऐसा बैठक नहीं किया जिसमें ये तय किया जाए नरेंद्र मोदी के साथ बैठकर कि बिहार के विकास को लेकर क्या करना है। 9 सालों की सरकार में क्या नरेंद्र मोदी की सरकार ने बिहार और बिहारियों के लिए कोई खास प्लानिंग की है? क्या बैठकर कोई बड़ी बैठक हुई हो? और मीडिया ब्रीफिंग तो छोड़िए साहब, कभी ये रिलीज जारी करके भी कहा गया हो कि प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लिए विशेष बैठक की है और उस बैठक में ये कहा है कि बिहार को जो 3 चीजें हमने कहा था वो सब मिलेगा। अब नरेंद्र मोदी के बातों को पूरा करने अमित शाह बिहार आएंगे क्या? तो बिहार आ रहे हैं तो बिहार में आकर अगर ये चीजें कहते हैं तो बिहार और बिहारियों का गर्व से सीना चौड़ा होगा, नहीं तो वही होगा कि अमित शाह बिहार आएंगे, हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, मजहब की बात करेंगे, मंदिर और मस्जिद की बात करेंगे, और इससे बिहार के लोगों को क्या फायदा होने वाला है यह आप बता जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, धन्यवाद।